All we have is now. Bitter, future is unpredictable. We never know what is there in future. So study now, learn now, do your work now. बेटा कभी भी फ्यूचर के ऊपर डिपेंड नहीं करें, पास्ट को हम ला नहीं सकते, तो क्या है, सिर्फ प्रेजेंट सिचुएशन है. एंड कीप ऑन डूइंग हार्ड वर्क. गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्चुअल क्लास ऑफ इंग्लिश. सो चिल्ड्रन, लेट अस स्टडी टेंसेस. चिल्ड्रन, टुडे इन द चैप्टर ऑफ टेंसेस वी आर गोइंग टू लर्न पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस शोज एन एक्शन दैट वॉज गोइंग ऑन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट. यानी बेटा जो पास्ट में एक्शन चल रहा था, यानी अब फिनिश हो चुका है, लेकिन पास्ट में वो एक्शन चल रहा था, कंटिन्यूअसली द एक्शन वॉज गोइंग ऑन, उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते. देखिए बेटा, शी वॉज टॉकिंग वाइल ईटिंग ब्रेकफास्ट. यानी वो बातें कर रही थी पास्ट टेंस में जब ब्रेकफास्ट चल रहा था. यानी पास्ट में ये एक्शन कंटिन्यूसली हो रहा था, तो इसलिए हम इसको कहेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस. जैसे उसमें हम दो हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं, एक होता है वॉज, एक होता है वर. बेटा वॉज के फ्रेंड कौन होते हैं? वॉज के फ्रेंड सारे जितने भी सिंगुलर नाउन हैं. ही, शी, इट, ये सब वॉज के फ्रेंड. बेटा एक और इनका फ्रेंड होता है, दैट इज आई. आई प्रोनाउन के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस में क्या यूज करते हैं? वॉज. आई वॉज गोइंग टू दिल्ली यस्टरडे. ठीक है बेटा, तो इसी तरह से ही वॉज वॉकिंग इन द गार्डन. या कोई सिंगुलर नाउन अगर हम लेते हैं, द बर्ड वॉज फ्लाइंग इन द स्काई. तो अब ये देखिए बेटा, हमने क्या किया, हमने हेल्पिंग वर्ब लिया, मेन वर्ब, एंड वी एडेड आई. दूसरा जो हेल्पिंग वर्ब होता है पास्ट कंटिन्यूअस में, दैट इज वर. वो हम कहाँ यूज करते हैं बेटा? जितने भी प्लूरल नाउन्स होते हैं. वी, दे और यू के साथ जितने भी प्लूरल नाउन्स होते हैं, या वी, दे और यू के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? वर. फॉर एग्जाम्पल, द बॉयज, कितने बॉयज हैं? बहुत सारे. द बॉयज वर वॉकिंग इन द गार्डन. हम कभी भी ये नहीं कहते द बॉयज वॉज. वॉज का मतलब क्या है? वन. और वर हम कहाँ यूज करते हैं? जब सब्जेक्ट ना प्लूरल होता है, या वी, दे यूज करते हैं. वी वर गोइंग टू द मार्केट यस्टरडे. दे वर प्लेइंग इन द पार्क. यू वर नॉट प्रेजेंट इन द असेंबली. तो बेटा हम क्या यूज करते हैं? वर यूज करते हैं. चिल्ड्रन, इन वर्कशीट नंबर 10 वी आर टू फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस form of the verbs. For example, beta, one has been done for you. The first one, Aditya dash football with his friends. Beta, verb one kya hai? Play. Aditya kitne hai? One. The noun is singular. To beta, hum helping verb use karenge, was. Aur verb one kya hai? Play. And we will add ing. Aditya was playing football with his friends. Now look for the fourth one. The children dash quietly. Verb one kya hai beta? Sit. Ab beta dekhi, children kitne hai? Plural. To hum helping verb kya use karenge? Were.
और वर्ब वन है सिट, और तो हम लिखेंगे द चिल्ड्रन वर सिट, टी को डबल करेंगे एंड देन वी विल एड आई एन जी. चिल्ड्रन वर सिटिंग क्वाइटली, पास्ट कंटिन्यूस टेंस. ठीक है बेटा, रेस्ट यू विल ट्राई. एन एक्शन दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर इज सेड टू बी इन फ्यूचर टेंस. यानी जो एक्शन फ्यूचर में होगा, यानी बेटा जो एक्शन अभी होना है उसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं. वी फॉर्म फ्यूचर टेंस बाय एडिंग शैल और विल टू वर्ब वन. हम वर्ब वन में उससे पहले हम शैल या विल का यूज करते हैं टू मेक इट फ्यूचर टेंस. फॉर एग्जाम्पल, अर्नब विल ज्वाइन द एयरफोर्स व्हेन ही ग्रोज अप. देखिए बेटा, अभी ये फ्यूचर की बात है. अर्नब अभी छोटा है, जब वो ग्रो अप होगा यानी बड़ा होगा देन ही विल ज्वाइन द एयरफोर्स. देयरफॉर वी हैव यूज्ड हियर फ्यूचर टेंस, अर्नब विल ज्वाइन. विल ज्वाइन हियर इज फ्यूचर टेंस. हम क्या यूज करते हैं जिससे हमें पता चले कि ये फ्यूचर टेंस है? वी यूज विल और शैल. हम सेंटेंस में विल और शैल यूज करते हैं ये देखने के लिए, बताने के लिए कि ये फ्यूचर टेंस है. बेटा हम लोग विल हर जगह यूज करते हैं जब भी हम फ्यूचर टेंस की बात करते हैं, चाहे वो आई हो, वी हो, या कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वी यूज विल. लेकिन शैल हम यूज करते हैं सिर्फ आई और वी के साथ. तो हम ऐसे कह सकते हैं कि आई और वी के साथ हम विल या शैल यूज करते हैं, प्लस उसमें हम ऐड करते हैं मेन वर्ब, राइट. और कोई भी सब्जेक्ट होता है, चाहे वो सिंगुलर नाउन होता है, चाहे वो प्लूरल होता है, ही, शी, इट, यू, दे, कुछ भी होता है, तो हम यूज करते हैं विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि मेन वर्ब, राइट. इन वर्कशीट नंबर 11 वी आर टू फिल इन द ब्लैंक्स विद द फ्यूचर टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. नाउ द फर्स्ट सेंटेंस इज आई डैश माई स्कूल बैग. पैक वर्ब वन क्या है? पैक. बेटा फ्यूचर टेंस है तो आई के साथ हम विल और शैल दोनों यूज कर सकते हैं, और हमारे पास वर्ब वन है पैक. तो रूल क्या कहता है? विल और शैल एंड वर्ब वन. आई विल पैक माई स्कूल बैग, आई शैल पैक माई स्कूल बैग, बोथ आर करेक्ट. नाउ लुक फॉर द थर्ड वन. यू डैश इन सिंगापुर. वर्ब वन इज एंजॉय. यू, बेटा यू के साथ हम फ्यूचर टेंस में क्या यूज करेंगे? विल. यू विल और वर्ब वन क्या है? एंजॉय. यू विल एंजॉय इन सिंगापुर. ठीक है बेटा, नाउ रेस्ट यू विल ट्राई. इट्स अ एक्टिविटी टाइम. Just now, children, you have seen a video in which a boy was riding a toy car. Let us revise the tenses. Beta, in simple present tense, we have learned that as when there is a singular noun, जब एक single होता है noun, या he, she, it होता है, तो बेटा हम main verb, यानी verb one के साथ s, es या ies add करते हैं. जब बेटा subject जो होता है वो plural noun होता है, या आई, वी, दे, यू होता है, तो हम सिंपली उसमें मेन वर्ब यानी वर्ब वन वो यूज़ करते हैं. इसी तरह से बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करते हैं, प्लस मेन वर्ब यानी वर्ब वन, और उसके साथ हम ऐड करते हैं आई एन जी. बेटा आपको मालूम है आई का फ्रेंड कौन है? एम. और सिंगुलर नाउन में ही में, शी में, इट में, और उनका फ्रेंड कौन है? इज. प्लूरल नाउन होता है वी होता है, दे या यू, उसका फ्रेंड कौन है? आर. बेटा इन सिंपल पास्ट टेंस, जब कोई भी सब्जेक्ट होता है चाहे सिंगुलर या प्लूरल,
हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते राइट। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, बेटा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का भी यही रूल है, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब एंड आईएनजी। लेकिन यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो होते हैं वॉज या वर। वॉज हम कहाँ यूज करते हैं बेटा, कोई भी जब सिंगुलर नाउन होता है, आई होता है, ही, शी या इट होता है, हम उसमें वॉज यूज करते हैं। प्लूरल नाउन में, प्लूरल नाउन जब होता है सब्जेक्ट के तौर पे, या वी, दे, यू होता है बेटा, तो हम वर यूज करते हैं। इसी तरह बेटा सिंपल फ्यूचर टेंस में, सिंपल फ्यूचर टेंस में बेटा हम आई और वी के साथ विल बी यूज कर सकते हैं या फिर शैल यूज करते हैं, और उसके साथ हम ऐड करते हैं वर्ब वन यानी कि मेन वर्ब। और उसके अलावा आई और वी के अलावा कोई भी सब्जेक्ट होता है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम विल के साथ वर्ब वन ऐड करते हैं। नाउ लेट अस सी द सेंटेंस, द बॉय डैश अ टॉय कार। बेटा यहाँ पे वर्ब है राइड, अ बॉय कितने हैं, वन, तो बेटा क्या ऐड करेंगे हम, राइड मेन वर्ब आ गया, अब बॉय क्योंकि वन है तो हम इसके साथ क्या ऐड करेंगे, एस। देखिए बेटा क्या बन गया, राइड्स। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बेटा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का क्या रूल होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब एड आई एन जी। अब बॉय है वन, तो वन अगर है तो वन का फ्रेंड कौन है, इज। मेन वर्ब क्या है, राइड एंड एड आई एन जी, अगर ई होता है और आई एन जी हमें ऐड करना होता है तो हम ई को ड्रॉप कर देते हैं, इज राइडिंग अ टॉय कार। नाउ बेटा सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में राइड का पास्ट टेंस क्या होता है बेटा, रोड, द बॉय रोड अ टॉय कार। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बेटा अ बॉय है वन, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वॉज, मेन वर्ब राइड एड आई एन जी, द बॉय वॉज राइडिंग अ टॉय कार। नाउ बेटा सिंपल फ्यूचर टेंस में विल और वर्ब वन क्या है, राइड, द बॉय विल राइड अ टॉय कार। Now, just now you have seen the video that the birds are flying in the sky. बेटा अगर simple present tense है और birds हैं, plural हैं, verb one क्या है, fly, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ verb one कर देंगे, the birds fly in the sky. Present continuous tense में birds कितनी हैं, plural हैं, two है ना, तो यानी plural, plural का friend कौन होता है, are. The birds are fly main verb add ing. The birds are flying in the sky. Simple past tense में बेटा, simple past tense में हम क्या use करते हैं, fly की second form use करेंगे, that is flew. The birds flew in the sky. Now past continuous tense में बेटा birds कितनी हैं, two. प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा पास्ट में, वर, मेन वर्ब फ्लाई एड आई एन जी, द बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई। नाउ बेटा फ्यूचर में सिंपल फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द बर्ड्स विल फ्लाई in the sky. Understood? So children, let us learn some new vocabulary words. Today we are going to learn words starting with letter T. The first word is tear. T-E-A-R. Tear means aansu. Second word is tasty. T-A-S-T-Y. Tasty yani jo bahut swadisht hai. Third word is tire, T-Y-R-E, tire means
बिटर जैसे साइकिल स्कूटर के टायर्स होते हैं. द फोर्थ वर्ड इज टास्क TASK टास्क यानी कोई भी काम. द फिफ्थ वर्ड इज टीम TEAM टीम. अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स व्हेन प्ले टुगेदर इज कॉल्ड टीम. चिल्ड्रन योर होमवर्क इज दैट यू विल डू वर्कशीट नंबर 10 and 11 ऑफ लेसन 14 ऑफ योर ग्रामर बुक एंड राइट वोकैबुलरी वर्ड्स इन योर इंग्लिश नोटबुक. Children, bye for now, but keep learning and smiling always.